दवाई है जो पब्लिक देने आई है, विरोध की दवाई है। यहाँ कोई लाठी बजरी विचारों की लड़ाई है। हम तुझसे नफरत करते हैं, तेरे झूठ से नफरत करते हैं। 40 यूनियनों को नरेंद्र तोमर साहब ने इनवाइट किया 11 बार, आओ आओ बातचीत करें, बातचीत करें। और जब प्रारूप तैयार हुआ तब पता ही नहीं क्या लिखा। अरे पागल बना रहे हैं। जब प्रारूप तैयार हुआ 3 कृषि कानून का, तब किस यूनियन को इनवाइट किया था पास होने से पहले? क्या डिस्कस हुआ? थे क्यों? ये पागल है, ये कुछ जानते नहीं है। पर उनके पास कमेटी है ना, कृषि कमेटी एक्सपर्ट है ना उनके पास, फिर मेरी उनसे चर्चा हुई। मेरी बात नहीं मानते आप, वो तो गवर्नमेंट का पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है। ऑल इंडिया में जब भी कर्मचारी का वेतन बढ़ता है, बढ़ने से पहले कर्मचारियों की मीटिंग और सहमति ली जाती है यूनियन से, यूनियन की सहमति ली जाती है। और किसानों को पता भी नहीं क्या कृषि कानून बन रहा है, और बना के पास कर दिया एक बात। पर ये सरकार कड़े फैसले लेती है, फिर वही बात, मुद्दे से मत भटको। ये पढ़ा लिखा खड़ा हुआ है, मुद्दे कड़े फैसले नहीं है। मैंने पहला पॉइंट रखा, ऑल इंडिया किसान तो आप ही ताली पीट देते पहले। कब कब किसान कानून से पहले कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब कारनामे देखे का नौ जब अपने ऊपर आए तब दुख हुआ। नहीं, 9 जनवरी 20 को, 9 जनवरी 20 क्या भाषण था? मैं चौकीदार, और 30 दिन बाद मेहुल चौकसी बम्बई हवाई अड्डे से भगा दिया। अरे चौकीदार मैं भी चले गए कहीं, और भगा दिया। कोई जाके तो देखे एयरपोर्ट पे, अरेस्ट हो जाएगा, वापस लाएंगे कह रहे हैं। वापस आएंगे, देश को तो बर्बाद कर गए, वापस आएंगे आएंगे। यार किसी बात को तो सच और कड़वी बात बताऊं, इतने ऊंचे पद पे बैठा, बंगाल की सभाओं में ले जा देखना, दीदी दीदी, अरे दीदी, अरे ले जा, जो सड़क छाप बच्चे बोलते हैं, शर्म आनी चाहिए देश। तो अभी पता पड़ा क्या आपको ऐसी भाषा बोलते हैं? जब जब सामने आएगा तो पता लगता जा रहा है। बड़ी निगरानी रखते हो मोदी जी की। अरे कमाल है, मैं देश का नागरिक हूँ। ये फावला चलाने वाले आज इकट्ठा हैं। कपड़ों पे ध्यान नहीं दिया आपने जी, कपड़ों पे ध्यान नहीं दिया। तुम कपड़े कह रहे हो, महाराज का दाढ़ा बना लिया पहरू क्या? तुम कपड़े की बात कर रहे हो, बड़े बड़े बाल, क्या नाटक है ये? नाटक है तो ये क्या है? पैरूपिया ये क्या है? वो तो पता है, प्यार करते हैं ना प्रकृति से, प्यार करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। तो ये पब्लिक मार्च 22 में उस प्यार का जवाब देगी। अगर मोदी जी वोट मांग रहे हैं तो दोगे? ये आप आंखों से देखो, ये देने वाले खड़े हैं क्या? ये वोट देने वाले हैं? पहले बीजेपी को चलने गए, बाद में तो कह देना ही सारे सब ठीक है मोदी जी, बाद में तो कह देना ठीक कराया काम हुआ, तो सब कुछ ही थोड़ा सी काम गलत हुआ बस। कौन कहता है? तमाम लोग कह देते। कहाँ दिन पे दिन ये पब्लिक खड़ी हुई है, ये दिन पे दिन देख रही है कारनामे क्या रिजल्ट आया है। आप बुजुर्ग आदमी, तजुर्बा काफी एज है, कोई काम अच्छा लगा इस सरकार का आपको? एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, कोरोना का केस आ गए, कोरोना केस आ गए, और 26 फरवरी को अहमदाबाद में 5 लाख आदमी इकट्ठा कर लिया ट्रंप को नमस्ते करने के लिए। अरे खुद तो फैलाता है कोरोना, 5 लाख अहमदाबाद में ट्रंप की रैली और कोरोना केस आ रहे हैं। अब कहते हैं 2 गज की दूरी मार्च, अरे उसी मुंह से कुछ कहता है, उसी मुंह से कुछ कहता है। लेकिन तो ये बताओ ये कानून कैसे वापस होंगे? ये तो 9 महीने से कर ही रहे हो, लड़े रहेंगे अंतिम दम तक लड़ेंगे। 650 किसान शहीद हो गए, मर गए, चाहे 1000 होने को तैयार है, और 22 मार्च आने दो, 22 का मार्च बीजेपी को वोट करोगे? जवाब ये पब्लिक से पूछ लो,
किसको दोगे? अरे मेरे से क्या पूछते हो आप तो बताओ, मेरे से क्या पूछते हो? बीजेपी के आदमी नफरत धर्म की राजनीति करता है इस देश में। यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई हैं, एक जगह खाते हैं। 2013 में क्या हुआ, एक जगह जहाँ खड़े हो आप? भूल सुधारी जाती है, दिया था सुधर गई भूल। राकेश टिकैत साहब ने कह दिया हमने दिया, नरेश टिकैत कह दिया हमने दिया, अब नहीं देंगे। अब आगे बात सामने, किसे देंगे? जहाँ मंच से ऐलान होगा, 40 संगठन जहाँ ऐलान करेंगे संयुक्त में। आपने तो अपनों को हरा लिया, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्यों भूल के आप पत्रकार होने के बाद इतनी कच्ची बात? चौधरी नहीं आ रहे क्या? अरे फिर अजीत सिंह नहीं रहे, आपकी आपकी बहुत बड़ी भूल को साफ कर रहा हूँ आज पब्लिक के सामने। जिला पंचायत सदस्यों का इलेक्शन पब्लिक ने किया यूपी में, जिला पंचायत किया ना, पब्लिक कितने परसेंट जीते? अरे सुनो एक मिनट, जब पब्लिक ने वोट दिया तब कितने जीते? 22% 22%। आपके मुंह से बात आ गई, 80 ओपोजिशन गया। अगर 19 में क्या करा, 19 में आपने 17 में क्या करा? जो पिछली भूले हैं वो सुधारी जाती है। गलती हुई थी, हाँ गलती हुई है, ऐसे आदमी के झांसे में आ गए लोग। गलती हुई है। वो तो हमारे नरेश टिकैत कहते हैं मैंने वोट दिया, गलती हुई, अब नहीं होगी। सर आपने नरेश टिकैत जी का नाम लिया, एक बड़ा अच्छा सवाल मेरे मन में आया। खूब करो। दो भाई हैं राकेश टिकैत नरेश, राइट? एक बड़े मुलायम है और एक बड़े हार्ड है, ये क्या चक्कर है? राकेश जी कहाँ हार्ड है? अरे वो तो आंदोलन, वो तो इलाज करने गए सरकार का आलोंग। ये कितनी प्यारी बातें करें नरेश टिकैत जी, तो यहाँ कोई भूल से झड़े बातों में, तो लाठी बज रही है क्या? ये जवान की लड़ाई चल रही है। वो कहते बकल उतार देंगे, बकल जब उतरता है, जब पेड़ के ऊपर बीमारी पैदा हो जाती है वो बक्कल उतारे जाते हैं, सफाई की जाती है, जिससे पेड़ जिंदा रहे, जिससे पेड़ जिंदा रहे वो बक्कल उतार दिया जाता है। अगर ताओ आज भी बात नहीं मानी सरकार ने, मत मानो, हम कहाँ कह रहे, हम मार्च 22 में मना देगी ये पब्लिक, 22 में नहीं तो 24 में मना दे, बस खत्म कहानी। अंकल जी पर आप दिशा तो नहीं दे रहे ना किसान नेता? कैसी बहुत अच्छी दिशा दी जा रही है, एक एक बात सच्चाई पब्लिक के सामने इस आदमी की ला रहे हैं। चुनाव लड़ोगे? कौन किसान नेता? जहाँ मंच से ऐलान होगा, 40 संयुक्त संगठन जो ऐलान करेंगे उसे मानेंगे। किसान नेताओं को वोट तो देती नहीं जनता, कैसे आपने कैसे अनुमान लगा दिया? दो बार चुनाव लड़े, दोनों बार। अब ये मैंने आपको उदाहरण दिया, पंचायत जिला सदस्य में कौन जीता, किसको दिया वो? यहाँ से तो आपका जिला अध्यक्ष हार गया, मुजफ्फरनगर किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष। 100% जीत कोई हारा नहीं, हारा गलत। 100% की कहीं जीत होती है किसी पार्टी? तो गढ़ है तुम्हारा घर है, राजधानी। 100% की जीत कहीं नहीं होती है, मेजोरिटी की जीत होती है। क्यों हार गया जिला अध्यक्ष? हाँ तो मेजोरिटी की जीत किसानों की होगी। ये आप अभी आज टिकैत साहब ने कहा था कि हम मुजफ्फरनगर में दवाई देंगे, दवाई कौन सी दी जाएगी? ये दवाई बीजेपी के विरोध की दवाई है जो पब्लिक देने आई है, विरोध की दवाई है। यहाँ कोई लाठी बज रही, विचारों की लड़ाई है। हम तुझसे नफरत करते हैं, तेरे झूठ से नफरत करते हैं ये किसान। अरे शौचालय भक्तों के लिए भैया, हमने शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, हमने MSP चाहिए, रोजगार चाहिए। पढ़े लिखे जैसे बात कर रहे हो आप, तो हाँ तो पढ़े लिखे हैं किसान, अपढ़े लिखे हैं हम। मंदिर नहीं चाहिए आपको? अरे आप एक बार मंदिर चाहिए, लेकिन इतना नहीं चाहिए कि मंदिर की आड में हम सब इसमें तो बर्बाद हो जाए। लेकिन जब योगी जी से सवाल किया गया कि प्रदेश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अरे वो तो बना लिया, पर राम मंदिर का सहारा लेके हमारे को धर्म की अफीम चटा दी गई और हमारी जमीने खोज ली, रोजगार खोज लिया, रेलवे जहाँ हमारे रोजगार के ऑप्शन थे रेलवे खोज ली, सारा देश तो बेच दिया, सारा देश बेच दिया उसने।
तो उससे मतलब है आपको क्या था? आपको तो कानूनों से मतलब है ना, देश बिके ना बिके उससे कुछ। अरे देश हमारा है, अगर जो देश बिक गया डानी माने का गुलाम बना रहे मेरे भाई, हम क्या करेंगे जी करे, क्या करेंगे देश अगर अडानी माने। ये भी मुद्दा रहेगा आपका निजीकरण भी? बिल्कुल रहेगा, इसमें क्या रहेगा, वो निजीकरण का, अगर निजीकरण का नाम लेके अडानी माने का गुलाम बना रहे देश को। अब और कहता है कि धारा 370 हटा दी उसने, इसमें जब मेघालय को अलग एक अलग धारा किसने दिए बताओ आप, अभी दिए 2 साल पहले, उधर से हटा रहे उधर लगा रहा है, वो भी तो मोदी जी ने दी होगी। उम्मीद है कानून वापस होंगे। बिल्कुल होंगे कानून वापसी, ये नहीं होगी तो अगली सरकार होगी, इनकी सत्ता वापसी होगी। सत्ता वापसी कैसे होगी? सत्ता वापसी जैसे वहाँ बंगाल में हुई है, मोदी की, मोदी प्रचार कर रहा था 200 सीट आएंगी वहाँ होगी, वहाँ ही सत्ता 0, और यहाँ योगी कह रहा है कि 300 सीट आएंगी, यहाँ का रिजल्ट देख लियो आप। मोदी जी सरप जो गोदी मीडिया है ना उसके अंदर इसकी हवा है। कोई पॉलिटिकल फैसला होगा क्या जी? क्या जी? कोई पॉलिटिकल ऐलान होगा क्या? पॉइंट का फैसला हमारे जो बड़े नेता वो बताएंगे, जैसा हमको आदेश देंगे हम उनके लिए तैयार हैं।